गोली बंदूक भिरा के मतलब कि रात्रि में काट के मतलब कि करोड़ों रुपए के रोज बालू कट रहा है और सब कोई घुस ले रहा है, कोई मतलब कि देखने वाला प्रशासन नहीं है। चोरी रात्रि में जीसीबी से बदमाश रात में सब काट के लाद ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं आपके साथ प्रेम राज। देखिए बिहार में कभी पुल चोरी हो जा रहा है तो कभी टावर चोरी हो जा रहा है, और अब आरजेडी कार्यालय में जहां पे कुछ फरियादी आए हैं और कह रहे हैं कि हमारे नदी से बालू चोरी हो जा रहा है। आपको बता दें हम आरजेडी कार्यालय में, और जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हुआ करते थे तो कहते थे हमारी सरकार आएगी तो सुनवाई करवाई सिंचाई रोजगार वाला सरकार आएगा। फिलहाल आरजेडी कार्यालय में हर मंगलवार को सुनवाई कार्यक्रम होता है जहां पे बिहार सरकार के मंत्री पहुंचते हैं और तमाम लोगों को फरियाद सुनते हैं। यहां पे कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि बालू चोरी कैसे हो जा रहा है, कैसे बालू चोरी हो जा रहा है। गोली बंदूक भिरा के मतलब कि रात्रि में काट के मतलब कि करोड़ों रुपए के रोज बालू कट रहा है और सब कोई घुस ले रहा है, कोई मतलब कि देखने वाला प्रशासन नहीं है। और सब देखिए पीपा पुल बना के रोकने के लिए बना, वो भी हटा दिया गया। सब आप पीपा पुल के बाद में मतलब कि पुलिस चौकी दिया गया, वो भी हटा लिया गया, तो अब खूब धड़के से मतलब चल रहा है। बालू कहाँ से कट रहा है? अमनाबाद दियारा से, अथी 15-20 फीट बोनू जमीन हटा करके माटी मिट्टी हटा करके अथी कर रहा है। आ कोई देखने सुने वाला है, नाव से जा रहा है सब डोरीगंज। आ जितना बालू लोग देखते नहीं कि डोरीगंज कहाँ से बालू आ गया, सब बंदे है तो एकदम डेली मतलब कि 200 नाव जाता है, 200 से मतलब कि समझिए कि 2 करोड़ रुपया का रोज मतलब बालू अथी हो रहा है। चोरी कैसे हो रहा है? चोरी रात्रि में जीसीबी से बदमाश रात में सब काट के लाद ले रहा है। कैसे कैसे चोरी हो रहा है? चोरी करके जैसे कि नाव द्वारा जेसीबी से काट कर बालू नाव पर लाद कर सैकड़ों नाव रात में पार हो जाता है। अब सब नाव कहाँ के कहाँ चला जाता है बालू लेकर। हम लोगों को जाने पर वहाँ मर्डर की बात है, हम लोग जा नहीं सकते। आपका जमीन से ही? आपका जमीन, हमारा जमीन वो ये बकास भी है, 100 एकड़ बकास भी है, बकास सब काट लिया, वो काट लिया। हम लोगों का रहती जमीन देखिए मेरा कागजात से सब। अच्छा, ये आपका कागजात है, रहती जमीन से भी काट लिया? सब काट लिया। कोई सुनने वाला नहीं है कहीं? कोई सुनने वाला नहीं है, सब प्रशासन में देखिए हम यहाँ सब दिए हुए हैं लिखकर सभी भाई हम लोग तनाव। आप लोग सब एक लोग हैं? जी हम सब लोग एक लोग हैं। 5 लोग हैं, पांचों का जमीन से सब बालू काट रहा है, 5 को ना और आदमी है, लेकिन मतलब कि हम लोग सब अब भूखे मर रहे हैं। हम लोग अब हम लोगों को खाने के लिए भी बहुत दिक्कत है, सब जमीन काट लिया। मुमताज है कि भाड़ा हम लोगों को नहीं है कि हम कैसे यहाँ पर पहुँचे, और कोई सुनवाई आज तक ले नहीं हुआ। प्रशासन के पास जाते तो क्या कहता है? वो कहता है कि हम सबको हम करेंगे, मोबाइल भी नंबर दिया, मोबाइल से भी फोन किया, गया कभी गया दिन में गया चल गया, फिर रात में सब काट के लूट लिया। चोरी करना तो उचित है, आज तक ले बालू का विषय में एक भी बालू नहीं बच रहा है। 30 फीट के करीब में गड्ढा खोद कर बालू की निकासी करके लेके। विधायक कौन है आप? विधायक है भाई वीरेंद्र सिंह। भाई वीरेंद्र आरजेडी कोटे के हैं, उनसे भी जाके कहे घरे तो क्या बोले? वो कहें कैसे जाइए, हम एसपी को कह देंगे, तो आज ले कहते रह गए, काहे ला कोई जाए देखे। यानी भाई वीरेंद्र के खिलाफ आज कंप्लेन कीजिए? हाँ करवे करेंगे, भाई वीरेंद्र को साफा नहीं सुन रहे हैं। हम लोग खाने पर मुमताज हैं, हम लोग पैसा के लिए मुमताज हैं, यहाँ भाड़ा चढ़ के नहीं यहाँ आ सकते हैं। पता नहीं है उनका एरिया में क्या हो रहा है, उनका नहीं पता है, उनका सब पता है। उनका अलग से हम लोग का घर अलग है, और का खूब जानते हैं कि खूब। तेजस्वी यादव के पास गए थे? अभी फर्स्ट बार हम लोग आए हुए हैं, अभी कभी मुलाकात नहीं हुआ था, अभी मुलाकात करने हम लोग आए हैं। सब जगह से हम लोग थक चुके हैं, अब लास्ट इनके पास आए हैं। देखिए इनके पास न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे। आगे खनन मंत्री हैं, उनसे मिले? सब जगह हम लोग जा चुके हैं सर, आरजेडी कोटे से ही हम लोग सब जगह जा चुके हैं। जा करके प्रशासन लोग जाने के बाद प्रशासन लोग कहता है कि कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, तो कहाँ बंद हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो रहा है हमारे जमीन? अभी लास्ट हम लोग इस आवेदन में हम लोग सरकार के ऊपर सौंप दिए हैं, अब एकदम बिल्कुल तंग आ करके इसलिए सौंप दिए हैं कि या तो सरकार हमारे ज़मीन में अस्थायी रूप से अवैध खनन जो गुंडागर्दी से जो लोग कर रहा है वो बंद कर दे, या नहीं तो सरकार अपने स्तर से हमारे ज़मीन में से बालू निकाल ले ताकि बेटा पटना हम लोग आने जाने से अस्थायी रूप से हम लोग अस्थिर हो जाए। मतलब परेशान हो गए आप? हम लोग के आने के लिए कितना हम बेटा मनेर दानापुर पटना थी नेता विधायक के यहाँ घूमते रहेंगे, आने के लिए हमारे पास भाड़ा नहीं है,
क्या करेंगे, क्या करेंगे आकर के? अगर सरकार हमारी संपत्ति को अगर खनन करके बालू निकाल लेता है तो इस चीज़ से तो हम तो संतुष्ट हो जाएंगे ना, शांति हो जाएंगे, कमाएंगे खाएंगे कहीं। कहाँ हम दानापुर रहती एसपी डीएसपी के यहाँ जाते हैं, आनंद यादव को भी लिखा, हाँ उनको दिया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। चलिए तो ये तमाम जो लोग थे वो इनके विधायक भाई वीरेंद्र हैं और इन लोगों का समस्या जटिल है। इनका कहना है कि हमारे खेत से जो बालू है वो लगातार कट रहा है और हम लोग तमाम लोगों को पहुँच जा रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं मंत्री हैं उनके पास जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो उनके विधायक हैं भाई वीरेंद्र उनके पास भी गए और खनन मंत्री के भी पास गए, तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, पर जो समस्या है वो दूर नहीं हो रहा है। इसीलिए आज सुनवाई कार्यक्रम है, आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पहुँचे हैं ताकि जो इनकी समस्या वो सुना जाए, इसको दूर किया जाए। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।